और जितने भी ये मुसलमान हैं इन्हें हिंदू बनाया जाए, चूहड़े चमार ये बनाया जाए। मुसलमानों को हिंदू बनाओ और चूहड़े चमारों में रखो। मेरी मोदी जी से ये अपील है, ये हिंदू थे और इनको सारे को हिंदू बनाया जाए, सारे चूहड़े चमार ये बनाया जाए। हिंदुओं के ठेकेदार का असली चेहरा देखिए, चूहड़े चमार ये बनाया जाए। मुसलमानों को हिंदू बनाने के लिए घर वापसी का ढिंढोरा पीटने वाले हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने बता दिया कि अगर कोई मुसलमान हिंदू बनता है तो वो उसे किस जाति में रखेंगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें हिंदुत्व का ठेका लेने वाला शख्स कह रहा है कि इन मुसलमानों को हिंदू बनाओ और फिर चूहड़े चमारों में रख दो। और जितने भी ये मुसलमान हैं इन्हें हिंदू बनाया जाए, पहले हिंदू है 5-6 पीढ़ी आ गए। मेरी मोदी जी से ये अपील है, ये हिंदू थे और इनको सारे को हिंदू बनाया जाए, सारे चूहड़े चमार ये बनाया जाए, चूहड़े चमार ये बनाया जाए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इसकी गिरफ्तारी की मांग भी तेज हो गई। जानकारी के मुताबिक इस गंदी सोच वाले आदमी का नाम डिप्टी ठाकुर है जो हरियाणा के नूह का रहने वाला है। 13 अगस्त को हिंदू पंचायत में एक इंटरव्यू के दौरान इस घटिया आदमी ने अपनी घटिया सोच को जाहिर किया था। सोशल मीडिया पर एक्टिविस्ट सूरज कुमार बोध ने इस वीडियो क्लिप को शेयर किया जिसके बाद ये वायरल हो गई। हर कोई इस जातिवादी शख्स को गिरफ्तार करने और SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करने की मांग करने लगा, लेकिन गिरफ्तारी की तलवार लटकते ही हिंदुत्व का ये शेर चूहा बन गया और तुरंत वीडियो शेयर कर माफी मांगने लगा। अब ये कह रहा है कि मेरे मुंह से गलती से ये बात निकल गई। डिप्टी सिंह पुत्र अतर सिंह निवासी उलेटा हसनपुर जिला नूह का रहने वाला हूँ। दिनांक 13/8/2023 को पोंडरी गांव की महापंचायत में जो मेरे मुंह से गलती में एक आध वाक्य निकल गए थे, मैं उसके लिए सभी भाइयों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। और जी मैं जमींदार आदमी हूँ, मुझे इतनी बात का ज्ञान नहीं था और सभी ऐसी समाज से मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मेरी इच्छा किसी जाति से या किसी उसकी भावना को ठेस पहुँचाना नहीं था और मैं आप लोगों से सभी ऐसी समाज से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मुझे माफ किया जाए और ऐसे सब जीवन में दोबारा नहीं निकलेंगे जी। फिलहाल डिप्टी ठाकुर नाम के इस जातिवादी और सांप्रदायिक सोच वाले आरोपी पर केस दर्ज होने की कोई सूचना सामने नहीं आई है। हरियाणा पुलिस को चाहिए कि तुरंत इसको गिरफ्तार करे, SC/ST एक्ट की धाराओं में इस पर मुकदमा दर्ज कराए और सख्त से सख्त सजा दिलाए। ऐसे लोग समाज में रहने लायक नहीं है और इन्हें खुला छोड़ना समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसे लोग एक तरफ तो दावा करते हैं कि सब हिंदू हैं, लेकिन जल्द ही वो अपनी औकात दिखा देते हैं। ये लोग न दलितों को हिंदू मानते हैं और न ही उन्हें इज्जत की नजर से देखते हैं। ऐसे में इनका एक इलाज है और वो है कानून का डंडा। इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।